गाइस ये जो सामने वाला बंगलो देख रहे हैं ये है रामायण में जो प्रभु श्री राम जी का अदा रोल किए थे उनका अरुण गोविंद जी का ये है बंगलो। इसी में रहते हैं प्रभु श्री राम जी। आप सभी लोग उनको जानते होंगे, रामायण जरूर देखे होंगे, उसमें जो श्री राम जी हैं तो उन्हीं का ये बंगलो है। ये 15वें मंजिल पे रहते हैं गाइस, आप सभी लोग जानते होंगे। जय श्री राम जी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप जैसे देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विवेक ज्ञान व्लॉग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले प्रभु श्री राम जी का बंगलो। हाँ गाइस, प्रभु श्री राम जी का बंगलो। आप सभी लोग सोच रहे होंगे प्रभु श्री राम जी का बंगलो, तो गाइस हाँ मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ वो कोई भगवान से कम नहीं है। मैं बताता हूँ गाइस आप सभी लोगों को मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वैसे तो आप लोगों ने टाइटल एंड थंबनेल देख ही लिया है गाइस, जो रामायण में श्री राम जी बने थे, रोल अदा किए थे, आज मैं उनका बंगलो दिखाने वाला हूँ मुंबई में। वो कहाँ पे रहते हैं, कौन से बंगलो में रहते हैं, कितने नंबर कहाँ पे, सारा कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ और लोकेशन भी बताऊँगा उनका बंगलो कहाँ पे है। तो गाइस मैं वीडियो वहाँ तक ले कर चलने से पहले थोड़ी सी उनके बारे में बता देते हैं गाइस। प्रभु श्री राम जी जब रोल अदा नहीं करते थे उससे पहले वो नशा वगैरह सब कुछ करते थे, और आज के डेट में जब वो श्री राम जी के रोल अदा किए ना तो वो श्री राम जी का पूरा भक्त हो चुके। जैसे जैसे श्री राम जी रहते थे, एक दूसरे से प्यार, एक दूसरे को समझना, सब कुछ आज के डेट में वो वैसे ही करते हैं। आज भी वो हीरो के रोल पर नहीं, मतलब अपने आप को समझते हैं, वो एक अपने आप को श्री राम मानते हैं जैसे भगवान की तरह। वो लोगों से ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना बात, ना विवाद, कुछ नहीं, प्यार से सबके साथ रहना पसंद करते हैं। और मैं बता दूं गाइस आप सभी लोगों को, श्री राम जी आज भी इतना पसंद करते हैं कि लोगों के प्यार, और जब पता गाइस कोई मिलने जाता है उनसे तो बड़े प्यार से फ़ोटो खिंचाते हैं। लेकिन हाँ गाइस मैं बता दूं, उनके पास कोई भी जाता है ना तो तुरंत उनके चरणों में गिरता है। आप सभी लोग जानते होंगे गाइस, जब प्रभु श्री राम जी रोल अदा नहीं किए थे उससे पहले वो नशा वगैरह भी करते थे, और जब से उन्होंने प्रभु श्री राम जी का रोल अदा किया तब से वो नशा वगैरह छोड़ दिया, एकदम धार्मिक बन गए। तो गाइस चलिए हम वीडियो को लेके चलते हैं प्रभु श्री राम जी के बंगलो के पास। तो गाइस मैं चलूँगा, आप लोग को सब कुछ दिखाऊँगा एंड लोकेशन भी बताऊँगा। लोकेशन चल के वहाँ पर मैं बताऊँगा पूरे रास्ते में कहाँ पर क्या पड़ता है। तो चलिए गाइस, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो गाइस ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है, इसी बिल्डिंग के जस्ट दूसरे वाले बिल्डिंग में रहते हैं। और मैं बता दूँ गाइस ये कहाँ पर लोकेशन है, अभी तो मैं रूम से चल दिया हूँ गाइस। ये अंधेरी वर्सोवा में इनका बिल्डिंग है। मैं पूरा लोकेशन आपको अच्छे से सब कुछ बताने वाला हूँ जो मैप पे आप डालकर यहाँ पे आ सकते हैं। तो गाइस अंधेरी वर्सोवा अमरनाथ टावर डालेंगे तो आ जाएगा लोकेशन पे, अमरनाथ टावर डालेंगे फिर भी आ जाएगा लोकेशन पे। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये है गाइस दूसरा वाला गेट, जो पहला जाते टाइम में पहला ही गेट पड़ेगा एंड आगे बढ़। अभी आपको दिखाते दूसरा गेट, तो पहले दिखा देते एक ये बगल में बिल्डिंग है जो 20 से 25 मंजिल का बिल्डिंग है, और दूसरे वाले मंजिल बगल वाले में बिल्डिंग में रहते हैं। तो ये देखिए पहला गेट है, इतनी खूबसूरती से और शांति माहौल में एकदम बिल्डिंग है, जो देखिए यहाँ पे हरियाली, पूरा हरियाली ही हरियाली है। तो गाइस आ चुके हैं देखिए अमरनाथ टावर पे। ये रहा प्रभु श्री राम जी, यहाँ पे रहते हैं अरुण गोविंद जी। देखिए यहाँ पे अमरनाथ टावर लिखा हुआ है, और यहाँ पे कितना शांत, और अंदर में घर में कितना हरियाली लगाया गया हुआ है, और इतना साफ़ सफाई देखिए गाइस, चलते हुए रोड पे इतना साफ़ सफाई है। बोलते हैं ना भगवान का जहाँ पे नाम से भी कोई चीज़ें होते हैं ना, वहाँ पे साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे भगवान प्रभु श्री राम जी, हम तो देखिए नाम तो नहीं ले रहे हैं गाइस, आप सभी लोगों को श्री राम जी कह रहे हैं, और आप भी लोग कमेंट में जय श्री राम जी ज़रूर लिखिएगा। और देखिए ये उनके बंगलो का, ये पूरा कहाँ से कहाँ तक पूरा हरियाली लगा हुआ है पूरे एरिया में,
और बता दूँ आप सभी लोगों को, देखिए गाइस कितना शांत माहौल है और कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे सुकून है बिल्कुल गाइस। सभी जगह से अलग इनका बंगलो है और बहुत ही बड़े मतलब 25 मंजिल का बना हुआ भी है। यहाँ पे थोड़ा भी हल्ला दंगा नहीं है, कुछ भी एकदम अच्छा है। तो गाइस मैं बता दूँ आप सभी लोगों को, अरुण गोविंद सर यहीं पे रहते हैं और यहाँ पे देखिए ये रोडों पे सामने भी हरियाली, एकदम पौधे लगाए गए हुए हैं, गाड़ी भी चल रहे हैं, कितना आराम से मतलब यहाँ पे एकदम शांत माहौल है। गाइस आप सभी लोगों को हम बता दें, प्रभु श्री राम जी, देखिए गाइस नाम तो इनका अरुण गोविंद जी है और मैं आपको प्रभु श्री राम जी बोलूँगा, क्योंकि देखिए जो भगवान के धार्मिक पे है उनका नाम लेना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए आप सब लोग प्रभु श्री राम में कमेंट में लिखिएगा। गाइस ये देखिए बिल्डिंग भी ना बहुत ही खूबसूरत से, और कलर देखिए गेरुआ कलर टाइप से ये बना हुआ है, जो वीडियो के अंदर थोड़ी सी क्वालिटी की अलग हो जा रही होगी, लेकिन इतना खूबसूरत से बना हुआ है ना, गेट भी बहुत प्यारा बना हुआ है और रोड देखिए यहाँ से वहाँ तक ये पूरे पौधे लगे हुए हैं। रोड पे भी ज़्यादा यहाँ पे धूल मिट्टी नहीं, बोलते हैं ना कि साफ़ सफाई, क्या मक्खन जैसा रोड यहाँ पे देखने को मिल रहा है आप लोगों को। गाइस प्रभु श्री राम जे अपने इसी बंगलों में रहते हैं। गाइस आप सभी लोगों को हम बता दें, प्रभु श्री राम जी इसी बिल्डिंग में 15वें मंजिल पे रहते हैं, और एकदम मैं बता दूं आप सभी लोगों को कि यहाँ पे ना एकदम धार्मिक जैसा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि मैं एकदम किसी मंदिर में आकर बैठा हुआ हूँ, एकदम मंदिर जैसा लग रहा है ये बंगलो इनका जो फ्लैट है, एकदम ये धार्मिक सा बन गया हुआ है। आप लोग को यकीन नहीं होगा तो लोग आप लोग आके देख सकते हैं, हम आप लोगों को लोकेशन मैंने बता भी दिया था, एक बार और बता देता हूँ, मुंबई अंधेरी वेस्ट वर्सोवा में है। आप लोग अमरनाथ टावर डालेंगे लोकेशन पे मैप में तो आपको दिख जाएगा। गाइस प्रभु श्री राम जी जब रोल अदा नहीं करते थे तो आपको पता होगा ये नशा वगैरह भी करते थे, सिगरेट वगैरह भी पीते थे। जब इन्होंने श्री राम जी का रोल अदा किया उसके बाद ये बहुत ज़्यादा धार्मिक बन गए। नशा वगैरह की बात तो दूर की हो गई, ये गलत बोलना और गलत देखना भी पसंद नहीं करते हैं, ये उन्हीं के तरह एकदम धार्मिक बन गए और एकदम सच्चे दिल के इंसान हैं, और आज भी लोग इनके पैरों में चरणों में गिरते हैं, सभी लोग इनका चरण पे आशीर्वाद लेते हैं, पैर छूते हैं आशीर्वाद लेते हैं, और एकदम उन्हीं में श्री राम जी में ढल चुके हैं। बोलते हैं ना मानो तो देव ने तो पत्थर, तो बस इन्होंने रोल ऐसा अदा किया है कि लोगों के दिल में छा चुके हैं। और मैं बता दूं गाइस आप सभी लोग, इनके पास प्रॉपर्टी तो बहुत है लेकिन ये प्रॉपर्टी के चक्कर में नहीं रहते हैं, ये बिल्कुल एकदम धार्मिक इंसान बन चुके हैं, और आज के डेट में ये बहुत ही नेक इंसान है, जो अपना किसी से बात विवाद नहीं, सबसे प्रेम बना के रखते हैं। और गाइस आप सभी लोग इनको तो जानते ही होंगे, आप सभी लोग टीवी पे देखते हैं, लेकिन मैं आज इनका घर दिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ गाइस आप लोग भी मुझे सपोर्ट करिए, मैं सभी लोगों का बंगलो दिखाने वाले हैं, जितने लोग रामायण में काम करते हैं सभी लोगों का बंगलो आने वाला है। तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो जय श्री राम कमेंट बॉक्स में।